चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं उस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा पुत्र गली में जानवर देखे तूने इतने इतने ऊंचे हिरन खड़े हुए बैल माँ जी बैल बची है ऊंचे ऊंचे बैल खड़े हैं माँ जी पूरी गली में ना एक से एक जानवर बंधा हुआ है आज चला आके देखे मुझे नहीं जाना माँ जी क्या हूँ मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है ना जानवरों ने कौन सा तुझे देख के सीटी मार देनी है माँ जी पूरे मोहल्ले में कुर्बानी के जानवर आ गए नहीं आए तो इस घर में नहीं आए उत्तर मैं अभी पड़ोसियों से बकरा मांग के ले आती हूँ चारा खिला के वापस कर देंगे शर्म तो नहीं आएगी ना माँ जी आपको हाय बकरों से कैसी शर्म पुत्र क्या हुआ माँ जी हमारे शोरों को जरा एहसास नहीं है कि कल ईद है और अगर कुर्बानी नहीं हुई हमारे घर में तो कितना मजाक उड़ाएंगे सब हमारा तू फिक्र मत कर पुत्र हमारे घर भी जानवर आएंगे लीजिए आ गए भाई वाह 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 दबील क्या खूबसूरत बैल थे यार महमूद साहब वो आपने अंडरटेकर देखा था उसकी हाइट मुझसे भी ज्यादा थी अरे था अभी तो पूरे 10 लाख रुपए का नबील हाँ महमूद साहब लेकिन उसे रखा भी तो शहजादों की तरह था मामा वो जो हमारे सामने दूध वाले हैं ना अरे उन्होंने बैल लिया है पूरे 10 लाख रुपए का हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सारे साल उन्होंने दूध बेच के उसका तो पैसे खरे कर लेने ओ माँ जी बैल दूध नहीं देता यार तो फिर क्या अंडे देता है नबील तुम लोग दूसरों के जानवर देखकर ही खुश होते रहोगे हमारे घर जानवर कब आएगा जानू जब तुम्हारे पापा पैसे भेजेंगे ना तो आ जाएगा नबील तुम कुर्बानी भी मांगे हुए पैसों की करोगे जानू जिस हिसाब से जानवर महंगे हो गए ना हम मुर्गी में भी हिस्सा नहीं डाल सकते बेहतर यही है कि मोहल्लों के लोगों के जानवर देखे और खुश हो जाए क्या अरे नबील ठीक कह रहा है इस वक्त जानवर जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं वर्षे वर्षे क्या मोहल्ले के लोग जिराफे लेकर आए हैं ज़बह करने को अरे मोमो मोहल्ले में एक से एक जानवर आया हुआ है भाई हमारी औकात नहीं है इस वक्त कुर्बानी करने की महमूद साहब कुछ तो ख्याल करें यार सबके घरों से जानवरों की आवाजें आ रही है सिवाय हमारे घर से जानू बस इतनी सी बात मैं तुम्हारी परेशानी अभी दूर कर देता हूँ कैसे यार बस इस बार बड़े महंगे जानवर लाया हूँ क्या बताऊँ तुझे हाँ भाई जब ऑस्ट्रेलियन बैल लूंगा तो महंगा तो मिलेगा हाँ 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 8 लाख का लिए 8 लाख का यार बकरा ये वाला जो है ये वाला जो है वो 2 लाख का है यार यार 2 लाख का जो बकरा होगा वो शरारती तो होगा ना यार और राणा रिजवान अजमत तू टेंशन ना ले गोश्त पहुंच जाएगा तेरी तरफ फिकर ना कर फिकर नॉट ओके बाय जानू अब तो खुश हो ना पूरे मोहल्ले में पता चल गया है कि हमारे पास कुर्बानी के जानवर आ चुके शन अप दबील यार ये औरत किसी हाल में खुश नहीं है अरे मोमो तुम चुप क्यों हो गई भाई तुम तो बैल की आवाज निकालो अरे बकरी की नहीं बैल की आवाज निकालो अरे डोर बैल की नहीं भाई असली बैल की आवाज निकालो दरवाजे पर कोई आया है ओ मैं देखता हूँ आप लोग आवाजें निकाले वाला बैल या बकरे की निकालनी या आप किस किस्म की बातें निकाल रहे हैं हाँ भाई सुना है बड़े तगड़े जानवर लिए हैं तुम लोगों ने इस बात तो तेरे भाई ने मोहल्ले में सबसे खूबसूरत और महंगे जानवर लिए बस फिर खाले रख देना सुबह लेने आऊंगा बात सुन भाई खाले सिर्फ अपनी पार्टी को देनी है वरना तेरी खाल उतार के ले जाऊंगा क्या मतलब हाँ भाई समझ गए ना तो खाले किसको देनी है हाँ जी जी मैं बिल्कुल समझ गया जी बिल्कुल इसको अंदर रखे अचानक से चल जाती है बिल्कुल समझ गया सर मैं बिल्कुल समझ गया और यार तुम लोग तो आवाजें निकालनी बंद कर रहे हो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ देखिए झूठ बोलने का नतीजा मुझे क्या पता था जानू कि लोग जानवर देखने से पहले खाले मांगने आ जाएंगे यार अब देना ऑस्ट्रेलियन बैल की खाल उन्हें महमूद साहब
मुझे लगता है आपको कल अपनी खाल देनी पड़ेगी। अरे नबील ऐसे मत डरो भाई, सुबह जब वो लोग खाल लेने आएंगे तो हम उन्हें अपना सारा घर दिखा देंगे कि भाई हमने कोई जानवर नहीं किया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मोहल्ले वालों को क्या बताओगे कि हमारे घर से जो आवाजें आ रही थी वो किस जानवर की थी? पड़ोस से 3 बार घर पे फोन आ चुका है, उनके बच्चे हमारे घर आ रहे थे जानवर देखने, उन्हें क्या दिखाऊंगी? आप लोगों की शक्लें? उन्हें तो अपने बाप की तस्वीर भेज दे। माँ जी, नबील मेरे जहन में एक आइडिया आया। वो क्या? वो ये कि हम बाजार से 2-3 किलो गोश्त लेकर आ जाते हैं, ईद वाले दिन हम लोगों के घरों में बांट देंगे और उन्हें कहेंगे कि हमने कुर्बानी की है। कैसा? ओ यार मामू साहब, गोश्त खरीदने की क्या जरूरत है, कल जो मोहल्ले वालों की तरफ से गोश्त आएगा ना वो थैलियों में डाल के बांट देंगे। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ थैलियां मंगवानी है। जानू जल्दी से 5,000 रुपए निकालो। तुम 5,000 रुपए की थैलियां लाओगे नबील? ओ यार नहीं मामू साहब, 500 की थैलियां लूंगा, बाकी 4,500 का अपना ईद का सूट लूंगा। कपिल घटियापन की भी हद होती है, एक तो तुम कुर्बानी नहीं कर रहे, ऊपर से लोगों को धोखा भी दे रहे हो। जानू तुम 5,000 दे रही हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं नबील, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। 5,000 मैंने सिर्फ कुर्बानी के लिए उठा के रखे थे। तो मैं तुमसे उन 5,000 रुपए की कुर्बानी ही तो मांग रहा हूँ। शट अप नबील। ओके जानू, पर मैं तो कहती हूँ इस बकरे ईद पे ना अपनी इस जमीला की कुर्बानी दे दे। ओ माँ जी, फिर भी गोश्त तो बाजार से ही लाना पड़ेगा, इसमें तो सिर्फ हड्डियां ही निकलेंगी। चल पुत्र, मल्ले के बच्चे जानवर देखने आए, बैल बची है। आए मैं उस दरवाजे तक चले यार। मैं क्यों चलूं भाई? अरे मोहल्ले के बच्चे देखने आए हैं ना आपको। अरे तो अपनी माँ को ले जाओ, इसे देख के ज्यादा खुश होंगे वो। देखता हूँ चला ही जाता यार। मम्मो कंट्रोल करो, तुम्हारे इतने वजनी पाँव हैं यार। अबे हम जुल्फो, तुम लोग? जी नवील भाई। अबे पहले तो तुम लोग रात को आते थे, अब दिन दिहाड़े आ गए हो चोरी करने। हमारे पास कुछ नहीं बचा लुटाने के लिए भाई। अरे नवील भाई, आपको याद नहीं 2 साल पहले माँ जी ने हमें लेक्चर दिया था, हम दोनों सुधर गए। चल भाई, उसके बाद भी तो चोरी की थी तुम लोगों ने। वो ना वो हमें बाद में याद आया ना। हाँ, अब तो मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? अरे नवील भाई, हम लोग सीजन वाइज काम करते ना, इस दफा हमने रमजानों में ना चूड़ियों का स्टॉल लगाया था। अच्छा? हाँ नवील भाई, बड़ी अच्छी कमाई है और 2-3 लड़कियां भी सेट हो गई। ये तो बहुत आला काम है भाई। नवील भाई बहुत अच्छा काम है, देखे सीजन टू सीजन काम करे और पूरा साल बैठ के आराम करे। देखे ना, शिवरात्रि में पटाखे बेचते, होली पे रंग, बकरीद पे बकरे, और अब ये 2 आखिरी बच्चे हुए। हाँ, हम लोगों ने सोचा कि ये आपको बेच दे, हमें पता था आपके यहाँ जानवर तो आए नहीं होंगे। तुम्हें कैसे पता चला? अरे नबील भाई, पूरे मोहल्ले के जानवर बाहर बंधे हुए और आपके घर से गाय और बकरों की आवाजें आ रही है। हम समझ गए कि अंदर से ना माँ जी और महमूद साहब जानवरों की आवाजें निकाल ले। हाँ, हम तो पहचानते हैं ना आपकी आवाज, कितनी बार मुंह पे कपड़ा रख के आपकी आवाजें सुनी है, हम तो पहले ही समझ गए थे। और हम क्या समझते हैं, मोहल्ले वाले समझते हैं कि ये आवाजें आप लोग खुद निकालते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ नबील भाई, अब तो इज्जत का सवाल है आप लोगों की, ये बकरे खरीदने पड़ेंगे आपको। ओ यार, हमारे पास पैसे ही कहाँ है इतने महंगे बकरे खरीदने के। अरे नबील भाई, हमने आपके घर का नमक खाया, हम आपको बहुत सस्ते में दे देंगे। अरे कितने सस्ते में दोगे भाई, कौन सा 5,000 में पकड़ा दोगे ये बकरे? आप भी क्या याद करेंगे नबील भाई, 5,000 में ले लें। क्या आप बताएं कौन सा वाला बकरा चाहिए? एक मिनट, तुम लोग ना ये बकरे लॉन में लेके चलो, मैं मामू साहब सब लोगों को बुलाता हूँ, ठीक है? पाजी, मामू साहब, जाने, जाने। तूने 2 घोड़े खरीद लिए? माँ जी, ये दोनों बकरे हैं ना पुत्र, शक्ल से तो इंसान लग रहे हैं। माँ जी, मैं इनकी नहीं इनकी बात कर रही हूँ। ओहो, अच्छा अच्छा। नबील, ये क्या है वैसे? जानू बकरे हैं, तुमने कभी बकरे नहीं देखे? नहीं, बकरे तो देखे हैं, लेकिन इस घर में कभी नहीं देखे। जानू, तुम कह रही ना कि कुर्बानी के लिए बकरे नहीं आए, तो बकरे आ गए, बताओ कौन सा चाहिए? तुम बकरा खरीद रहे हो? जानू, तुमने सिर्फ 5,000 रुपए देने हैं, बाकी मैं खुद करूंगा। लेकिन नबील भाई, हम तो 5,000 में बकरा दे रहे हैं आपको। What? 5,000 रुपए का बकरा? हाँ मामू साहब। नबील, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 5,000 रुपए में कौन सा बकरा आता है? हाँ, कुछ कम करो भाई। जी 5,000 बहुत सस्ता है। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ ज्यादा करो भाई। नबील,
मुझे लगता है कि इन बकरों में कोई ऐब है। हाँ देखो ना इनकी आंखें कितनी छोटी हैं। दूसरी बात ये कि वो सांवला है पूरा और ये आधा सांवला है। ओ माँ जी आपको इनकी कुर्बानी करनी है शादी? चुप है। हाँ भाई हमने कुर्बानी करनी है, हम देखभाल कर खरीदेंगे ना, क्यों नबील? आहा नबील भाई 5,000 में दे रहे हैं, उस पर भी आप लोगों के नखरे खत्म नहीं हो रहे। 5,000 कोई मामूली रकम होती है, 15 दिन सौदे में से पैसे मारो तब जाके 5,000 होता है। What? नबील डॉक्टर को फोन करो, बकरों का मुकम्मल चेकअप करवाओ। वो जो बकरों का मुकम्मल करवाना है वो चेकअप है? हाँ जी। चलो महमूद साहब डॉक्टर को अंदर चल के कॉल करते हैं। आओ फिर आज वो आप लोग इन बकरों को बांध कर आज वो यार ये तो बड़े लीचड़ है। हेलो डॉक्टर साहब, नबील बात करो। बोलो बोलो वाला खोए वाला बधाई वाला। जी 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 डॉक्टर साहब एक काम करें, जल्दी से घर आ जाए। हाँ हाँ इमरजेंसी है डॉक्टर साहब। हाँ जल्दी करें। ठीक है ओके ओके बाय। क्या हुआ? जानू डॉक्टर साहब आ रहे हैं। पिछली गली में ना किसी के बैल को हार्ट अटैक हो गया था, उसकी सर्जरी करने आए। अरे बैल की बाईपास सर्जरी भी होती है? हाँ तो बैल क्या इंसान नहीं होता? ओह देख लिया नबील, लोग जानवरों को बेचने के लिए ना इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छी तरह चेकअप करवाना। हाँ ईसीजी भी करा लीजिएगा और कोलेस्ट्रॉल शुगर भी टेस्ट करा लीजिएगा। ना पुत्र ये ठीक है। मुझे 2-3 जानवर देखने जाना है। ना तू इस उम्र में भी जानवर देखने जाता है? अरे माँ जी मुझे जानवर चेक करने जाना है, आपको पता नहीं है पिछली गली में गाय को ना 10 लगे हुए हैं। तूने जाके साफ करने। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? चुप है। अरे भाई जल्दी बताएं इमरजेंसी क्या है? डॉक्टर साहब हमने ना आपको 2 बकरे चेक करवाने हैं खरीदने से पहले। अच्छा ये वाले? चलो भाई मुंह खोल के दिखाओ कितने दांत हैं तुम्हारे, जल्दी। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, तुझे क्या हम बकरे लगते हैं? अरे भाई माफ करना, असल बात यह है कि मैं अपना चश्मा जो है ना नजर का घर पे भूल गया हूँ, इसलिए मुझे गधे और घोड़े में फर्क नहीं पता चल रहा। अरे तेरी तो अरे छोड़े इसे यार, बकरे उधर लॉन में बंधे हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। अरे तो भाई मुझे लॉन में लेके चलो ना, मैं उनको कहाँ ढूंढता फिरूंगा भाई। ओ चल रहा है यार, आ गए यहाँ पे थे गए, लेकिन जिस काम के लिए मुझे बुलाया, बकरे कहाँ भाई बकरे? यार नबील भाई आपको ये अंदर डॉक्टर ही मिला था बकरों का चेकअप कराने के लिए। हैं? ओ यार तू बकरों को चेक कर, ये रे बकरे। अच्छा ये लेकिन आपने बकरों को बांधा तो क्यों है भाई? ताकि ये उड़ ना जाए। ये बकरे उनसे भी है? अरे डॉक्टर साहब छोड़े इसे, आप बकरों को चेक करें ताकि हम इनका सौदा डन करें। अच्छा ठीक है, अब ये बताएं पहले मैं कौन सा बकरा चेक करूं? ओ भाई ये वाला कर ले तू। नहीं भाई नहीं नबील, मुझे वो वाला पसंद है। नहीं महमूद साहब ये वाला बकरा ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहले इसे चेक करें डॉक्टर साहब। एक काम करें टॉस कर लेते हैं। हाँ ये मुनासिब है, फिर उनका मैच कराएंगे, जो जीत जाएगा उसकी पहले चेकअप कर लेंगे। हाँ ये आइडिया भी अच्छा है। ओ भाई बकरों का चेकअप कर, जो सेहतमंद होगा अच्छा होगा वो खरीदेंगे। अबे तुम लोग 5,000 का बकरा खरीद रहे हो, ये लाखों का मकान खरीद रहे हो? 5,000 का बकरा? हाँ और नहीं तो क्या। अरे भाई हद करते हैं आप लोग भी। अरे भाई 5,000 रुपए में तो आजकल मरा हुआ बकरा नहीं मिलता, आप लोगों को जिंदा बकरा मिलता है। भाई जान बीमार भी हो ना तो उसको खरीद लो। नहीं तो हमें बीमार बकरे का गोश्त नहीं खाना, तू चेक कर अच्छी तरह। अच्छा भाई ठीक है, अब आप लोग आराम से बैठ जाएं ताकि मैं इत्मीनान से जो है ना उनका मुआयना कर लूं। ठीक है मैं मुसा चले आराम से बैठते हैं। यार नबील भाई कुछ चाय वाय पिला दे यार। और पहले बकरे तो पास हो जाएं, ऐसे ही तुझ पे खर्चा कर दे। डॉक्टर चल तू बकरों का चेकअप कर, आया वहां बैठते हैं, डॉक्टर को डिस्टर्ब नहीं करना। आप दोनों यहाँ तशरीफ रखे, आ जाइए। आप तो इधर आए ना, हम उधर जाएंगे यार, आपको भी। चलो यार चले ताश निकालेंगे। आ जाबो निकलाबो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले उस बार। चलो ना भारी चलो ना भाई, क्या मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बकरों का चेकअप कंप्लीट हो गया। तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, बकरे ठीक है ना? अरे भाई वैसे बाहर से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इनके अंदर कोई अंदरूनी बीमारी हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता।
ओ जानू, हमने कौन सा को 10 साल बाद बकरा ज़िबा करना है? कल ईद है, सुबह ही काट देंगे इनको। हाँ भाई, कल तक तो चल जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई बात सुनो, मैं भाई इन्होंने एक बकरा तो ले लिया है ना। हाँ, दूसरा बकरा फारी का तो भाई मैं ले लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पैसे दूंगा आपको। एक ये मैं आपके लिए पास आऊंगा, ठीक है? चल भाई, दूसरा बकरा तेरा हुआ। मन आ गया नाम से। मैं भी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। हाँ भाई, बहुत मुबारक हो आपको, यकीन जाना आपकी वजह से इस बार बकरा ईद पे मेरे यहाँ भी कुर्बानी होगी। मजा आ गया, मैं जा रहा हूँ। चले मामू साहब, अपने बकरे के लिए भी अब चारे वाले का बंदोबस्त कर लें। वो जो अपने बकरे के लिए लेकर आना है वो चारा है। हाँ जी भाई, चारे का बंदोबस्त बाद में कर लेना, पहले बकरे के पैसे दे दो और कोई चाय का बंदोबस्त वगैरह कर दो यार। अरे रुक जा बेसब रे, जानू 5,000 ला के दो, ऐसी चाय पड़ जाएगी हमें। जाओ जानू, मेरे कार्ड को नहीं टच कर। नहीं नहीं, टच नहीं कर रहे लोग। जानू अब तो खुश हो ना, हमारे घर में भी बकरा आ गया। नबील, अगर मुझे पता होता ना तो मैं बच्चों को कभी पापा की घर ईद करने ना भेजती। कोई बात नहीं जानू, इस बार बच्चों को ईद वहाँ मनाने दो, अपने नाना के पास। ऐसे हैरत की बात है नबील, इतना सस्ता बकरा मिल गया हमें। जानू, मैंने बकरे की कीमत मोहल्ले वालों को 50,000 रुपए बताई है, इस पे भी वो हैरान हो रहे थे। नबील, अब कसाई का इंतजाम भी कर लो। जानू हो जाएगा, मैं हूँ ना, फिक्र क्यों करती हो। तुम बकरा ज़बह करोगे? नहीं जानू, मैं कसाई ढूंढूंगा, मैं देखता हूँ। हेलो नबील भाई। ओए, तुम लोग कहीं बकरे वापस लेने तो नहीं आए? अरे नहीं नबील भाई, बकरे तो सारे बेच दिए, अब तो दूसरा काम शुरू हो गया है। कौन सा काम? कसाई वाला। कल ही ना तो आज से हम कसाई, और हमें पता था कि आपने कसाई का बंदोबस्त नहीं किया होगा। हाँ, नहीं किया, नहीं किया। बस कोई फिक्र की बात ही नहीं है, कल हम नमाज के बाद सीधा आपके घर आके बकरा गिरा देंगे। भाई बकरे को क्यों गिराओगे, उसने क्या कसूर किया? गिराएंगे मतलब बकरा ज़िबा करेंगे नबील भाई। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम लोग पैसे कितने लोगे? पैसे वैसे नहीं लेंगे नबील भाई आपसे, बस बकरे के पाए दे दीजिएगा। पाए ही क्यों? अरे ईद के बाद हमने दूसरा काम शुरू करना है ना। हाँ हाँ, हम पाए पकाकर ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, सीजन टू सीजन काम करते हैं ना। अरे वाह भाई वाह। अच्छा नबील भाई, अब हम चलते हैं, सुबह नमाज के बाद आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दूर जाके चलना, बहुत धुआं दोगे तुम लोग, अल्लाह माफ फरमाए, गंदा धुआं दोगे। जानू जानू, किसी का इंतजाम भी हो गया। ओके बाय, हम सुनो बाय। नबील, वो कसाई नहीं आया अभी तक? ओ जानू आ जाएंगे, अभी फारिग नहीं हुए होंगे ना, उन्होंने आज बड़े बड़े जानवर गिराने। हमारे जानवरों से भी बड़े? वो जो हमारे जानवर है वो बड़े हैं। हाँ जी। ओ छोड़े यार, चले चलकर उसको बकरे को अपने चारा खिलाते हैं, फिर तो उसको चारा नसीब नहीं होना, उसने हमारा चारा बन जाना। बेचारा, आज वो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यार नबील, ये अभी तक आए क्यों नहीं है? वो मामू साहब आते ही होंगे ना यार। ओ भाई, तुम लोग इतने सारे आ गए हो बकरा एक है गिराने के लिए? अरे हम बकरा नहीं, तुम लोग को गिराने आए हैं। क्या? वो क्यों भाई? अबे साला, चोरी के बकरे ज़िबा करते हो, शर्म नहीं आती? चोरी के बकरे? मोहल्ले के घरों से बकरे चोरी करके बेच दिए हैं। क्या? हाँ, बाकी तो सब हमने रिकवर कर लिए, बस यही एक रह गया था, लेके चलो उसको भी। ओ भाई, नहीं। नबील, क्या इस ईद पर भी हमारे घर पे कुर्बानी नहीं होगी? जानू होगी, बल्कि एक बकरे की नहीं, दो बकरों की होगी। आए मैं मोटा हूँ। वो जी, असल में हमें एक कमरा चाहिए किराए पर। ओए हम तो खुद किराए पे रहते हैं। देखिए आंटी, हम बहुत मजबूर हैं। अरे नबील, पागल हो गए हो तुम क्या? अरे हमारे घर में कमरा है ही कहाँ, और अगर है तो उसमें रहने की जगह कहाँ है? लेकिन ये लोग बहुत मजबूर हैं। अरे अगर मजबूर है तो हम क्या करें भाई, हमने इनका ठेका ले रखा है। वो जी, हमारे घर वाले हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो सबसे पहले शहर के होटलों में जाएंगे, उन्होंने पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया जी पैसे देकर। जानू,
मुझसे अब इनकी कहानी और नहीं सुनी जा रही। दो लोग पुलिस से भाग रहे हैं, उन्हीं की तलाश में हूँ। आखिरी इत्तला के मुताबिक वो इसी मोहल्ले में आए। अच्छा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। बताओ फिर दरवाजा क्यों बजा रहा था? इसलिए कि बाहर पुलिस आई हुई है। क्या? हाँ, लाउंज में। अबे मारे गए। हाँ, वो तो दोनों मियाँ बीवी थी जिन्होंने भाग के शादी की थी। अरे दिमाग खराब है क्या? वो दोनों चोर थे, भेष बदल के फिर रहे थे। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।